कुदरत ने सभी जीवों का निर्माण समान रूप से किया है, परंतु मनुष्य ही वह प्राणी है जिसे बुद्धि का वरदान मिला है। इस धरातल में रहने का और अपना जीवन जीने का समान अधिकार भी दिया है, किंतु मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण तरक्की और विकास से बाकी सजीवों को हानि पहुंचा रहा है। पहले ये गैयाँ इंसान पालता था और उसकी देखभाल करता था, परंतु अब इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि जब तक गाय दूध देगी तो बांधेंगे, फिर छोड़ देंगे और खाना पीना नहीं देंगे। जहाँ तक कि बाग बगीचा में भी उनके लिए घुसना वर्जित कर दिया है, और तो और नदी के किनारे भी खेती करने लगा है इंसान, और वहाँ भी उनका प्रवेश बंद है। तो जानवर रोड में आने लगे, पन्नी पॉलीथीन खाने लगे और तरह तरह की चीज़ें खाने लगे, जिससे उनकी मौत होने लगी। और रोड में जाने से भारी इंसानों को भी नुकसान हुआ है, तरह तरह आए दिन रोज़ एक्सीडेंट होते जा रहे हैं और इंसान भी मरता जा रहा है। इंसान के पास इतना वक्त भी नहीं कि उन्हें यदि पाला है तो उनकी सेवा करे, ऐसे ही ना छोड़े, क्योंकि इस समय की भीषण गर्मी में सिवाय धूल और सूखे पत्तों के कुछ नहीं खाने को, हरियाली सिर्फ खेतों में झलकती है। गलती से खेतों में घुस भी गए तो किसान उन्हें मारते हैं। तो सब जाएं कहाँ और खाएं क्या, हर जगह तो इंसान का ही कहर है। ये वही गायें हैं जिनके कारण ऋग्वैदिक काल में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, और आज का समय बदल चुका है तो उन्हें ही छोड़ दिया। ये बात तो सच है कि इंसान जिस जगह पहुंच गया है वह जगह कोई और नहीं रह सकता। इंसान इतना पापी और स्वार्थी है, शायद इसीलिए कोई जानवर पशु पक्षी उसके नज़दीक नहीं आता, सब दूर ही रहता। तो इंसान सुधर जाए, इसी में उसकी भलाई है। यादों के उस शहर से दूर, गम की सरहद के उस पार, तेरी मंजिल चल मुसाफिर, चल चल मुसाफिर, चल चल मुसाफिर, चल चल मुसाफिर, चल।